हाय दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल। आप सब कैसे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनने वाला है, मैं बताने वाली हूँ, जो कि रिंग सेरेमनी होता है, इंगेजमेंट मेकअप होता है, वो बताने वाली हूँ कि सेल्फ मेकअप कैसे करिएगा इंगेजमेंट पे अपना घर पे। तो चलिए, कैसे होता है वो भी बताने वाली हूँ कि पार्लर में कैसे होता है। तो ऐसा ऐसा जो होता है, पैन स्टिक्स पहले अप्लाई होता है, प्राइमर, क्रीम, प्राइमर, ये सब स्किन केयर करने के बाद, प्राइमर अप्लाई करने के बाद, ऐसा जो पैन स्टिक होता है ना, इसको अप्लाई करना पड़ता है पहले। समझ गए ना दोस्तों? तो ये इनसाइड का है, जो मेरे पास पैन स्टिक है, कंसीलर है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको, मतलब देख सकते हैं, जितना मैंने जहाँ जहाँ डार्क एरिया है ना, वहीं इसको अप्लाई होता है। अगर आप चाहें तो पूरा फेस में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पूरे फेस में दाग धब्बे हैं तो अप्लाई कर सकते हो। तो पूरे फेस में अप्लाई करने से क्या होता है ना, कि फाउंडेशन अप्लाई करिएगा ना, तो पूरा HD मेकअप आता है। समझ गए ना दोस्तों? तो उसी को HD मेकअप बोलते हैं, जो कि कोई दाग धब्बे नहीं दिखे मेकअप करने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ब्लू हेवन का पैन स्टिक लिया है, उसको भी मैंने, अब जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई नहीं हुआ था, मेरा जो कंसीलर था वो पेन स्टिक था, वो तो जहाँ बच गया था वहाँ मैं ये ब्लू हेवन का पेन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको अप्लाई करके इसको ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं एक कवरेज मिल गया है। उसके बाद दूसरा कवरेज देना है फाउंडेशन अप्लाई करके। ओके गाइस, तो फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। इसको पहले मैं फिंगर के मदद से ही सारा बेस में ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद चलते हैं ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जो कि एकदम मैट प्रूफ है। ये गर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, विंटर में तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ड्राई ड्राई लगता है। ठीक है ना? तो इसको देख सकते हैं मैं कितनी कम क्वांटिटी में सारा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। समझ गए ना? ताकि मैं, मेरा फेस केकी पैची ना लगे। कितना लगता है ना, तो कम क्वांटिटी में अप्लाई होता है ना, तब फेस अच्छा भी दिखता है और लगता है कि हाँ, कम क्वांटिटी में मेकअप हुआ है और कवरेज अच्छा दिया है। तो इसी तरह से मेकअप होता है, इंगेजमेंट मेकअप जो पार्लर में होता है, धर्मा ये वो जो पैन स्टिक होता है उससे होता है। ठीक है, तो बेस इसी से तैयार होता है। तो चलिए, ये देख रहे हैं फाउंडेशन, मैं कौन सा फाउंडेशन ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर है, उससे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो उसके बाद मैं ये बेस को सेट कर रही हूँ। ठीक है ना, लूज पाउडर से सेट कर लेना ये भी सारा बेस अप्लाई करने के बाद। तो लूज पाउडर से सेट कर लीजिएगा ना, आपका बेस और भी अच्छा, मतलब हो जाएगा जो लॉन्ग लास्टिंग तक जाने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ ये जो। तो उसके बाद आपको हर इंगेजमेंट में सेरेमनी रात में ही नहीं होता है, दिने में होता है। अब पता नहीं किसी किसी का रात में भी होता है, लेकिन दिन में ही होता है। तो दिन जैसा मेकअप कर रही हूँ, दिन में जो ये होता है ना, तो उसके लिए कम क्वांटिटी में हर चीज़ अप्लाई होता है। जैसे कि ब्लश ले लीजिएगा, उतना भी कम क्वांटिटी में अप्लाई मत करिएगा कि आपका फ़ोटो में अच्छा फ़ोटो ही ना आए। ठीक है, तो ब्लश अप्लाई हो गया, कंटूर अप्लाई हो रहा है, ब्राउजर अप्लाई हो रहा है, तो ये तो अप्लाई करना ज़रूरी है गाइस। उसके बाद बेस को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद हाइलाइटर लगा लीजिए। हाइलाइटर लगाने के बाद एकदम कंप्लीट है ये मेकअप। उसके बाद आपके पास जो ज्वेलरी है, गहने हैं, आउटफिट है, वो पहन लेना है आपको, और तैयार हैं आप। इस इंगेजमेंट मेकअप कैसा लगा आपको, रिंग सेरेमनी वाला मेकअप आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।